हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले निफ्टी के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स के बारे में। तो देखिए, आज डेट है 6 दिसंबर। तो देखिए, आपके सामने सबसे पहले लगा हुआ सन फार्मा, ये टॉप गेनर है आज का। और देखिए, कल इसने लगाया था 401 का लो और उसके बाद से अब ये 423 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, बहुत अच्छा इसमें ट्रेंड बना हुआ है, बहुत अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। इसमें आज एक ब्लॉक डील भी हुई है 424 पे, तकरीबन 127,000 शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है 9:30 बजे। और उसके बाद से देखिए, स्टॉक जो है वो भागने के लिए तैयार है। और इतने अच्छे, देखिए 3-4-5-6 दिन से मैं देख रहा हूँ। और देखिए, इसके जो वॉल्यूम्स है वो इतने अच्छे हैं, लगातार इतने अच्छे वॉल्यूम दे रहा है जितने की वॉल्यूम से देता भी नहीं था, और अच्छे से वॉल्यूम बनने लग गए हैं। अब देखिए, क्योंकि ये भाई बहुत ऊपर से नीचे गिरा है और हमेशा इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराब न्यूज आने की देरी रहती है और फिर उसका गिरना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो देखिए, पहले जब ये गिरा था तो तकरीबन 595 पे था और 432 तक गया, तो उसके बाद 441 पे जाके इसने रिवर्सल लगाया और उसके बाद जाके इसने 680 तक का अपना हाई बनाया। इसके बाद मुझे लगता है फिर से ये इस बार यही करने वाला है और ये करना शुरू कर दिया है इसने। और देखिए, अब इसके बाद देखिए भागता ही जाएगा। अब आप 1-1.5-2 महीने रुकिए और फिर से आपको 680 के लेवल्स के बाद 780 के लेवल्स दिखाएगा। तो देखिए, फिलहाल इसकी जो एक न्यूज वाली जो खबरें रहती है उसको आप हमेशा समझ के चलते रहिए, क्योंकि जैसे भी खराब न्यूज आए इसको शॉर्ट कर देंगे तो भाई अच्छा पैसा बन जाएगा। बहरहाल, ऊपर जाना तो इसका तय है। देखिए, उसके बाद देखिए, आज ये बजाज ऑटो, ये दूसरा गेनर है। देखिए, ये तकरीबन ये भी 1% के ऊपर ये आज देखिए ये भी एक टॉप गेनर में से एक है। और देखिए, इसका भी चार्ट देख लेते हैं किस तरीके का है। देखिए, ये तो बस सीधे ऊपर जाने के लिए तैयार है, सीधे ऊपर ही जा रहा है, मतलब आसमान फाड़ ही देगा आज इसे देखते तो ऐसा ही लग रहा है। पर बेसिकली देखिए, छोटा रिटेल निवेशक जो होता है वो इतने बड़े जो शेयर होते हैं इनमें इतना पैसा कोई लगाता नहीं है और बेसिकली कोई भी लेना पसंद नहीं करता। बहरहाल, इन्हें लेने का बहुत फायदा होता है। और देख लीजिए, 2700 के तकरीबन ये आ चुका है और अभी भी इसमें अच्छी खासी, अगर आप देखें इसके वॉल्यूम्स तो देखिए उसके हिसाब से ही है, क्योंकि देखिए ओपन इंटरेस्ट जो होता है इन जैसों में वो कमी होता है, क्योंकि छोटा रिटेल निवेशक तो इनसे दूरी भागता है, काफी महंगा होता है उसके हिसाब से। और देखिए, अभी भी देखिए आप अच्छे खासे बन रहे हैं। और देखिए, फिर भी अभी बेयर्स बहुत कम है, सेलर्स कम है यहाँ पे, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। और देखिए, यूपीएल इसको देख लेते हैं, ये भी देखिए, ये भी काफी आज, ये भी तकरीबन आप मान के चलिए 1% के लगभग ये भी है। और देखिए, इसकी क्या हालात है। हाँ, देखिए सेलर्स काफी आ चुके हैं और ओपन हुआ था देखिए अच्छा खासा 747। बहरहाल, अच्छी खासी कंपनी है ये भी। और देखते हैं पावर ग्रिड, पावर ग्रिड का तो आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट कंपनियां तो सब एक जैसी है, ये भी देखिए 0.5% के लगभग है। और देखिए इसमें कैसा है, हाँ अभी देखिए बुल्स थोड़े से हावी है, पर बियर्स कब हो जाएंगे ये कह नहीं सकते। और देखिए 183 पे गुला था और तकरीबन 1 रुपए का फ्लक्चुएशन, 1-2 रुपए हाई भी लगाया। तो ये कंपनियां तो ऐसी चलती है, सरकारी कंपनियां होती है, मैं तो बेसिकली सरकारी कंपनियों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ क्योंकि ये ज्यादा चलती नहीं है। और देखते हैं ये देखिए स्टील जो है इसने भी आज अच्छा खासा दिखाया। और ये कितने पे ओपन हुई है, ये 299 पे ओपन हुई, 203 चल रही है ये भी तकरीबन। ये देखिए, हाँ यहाँ से देखिए, ये सारे के सारे अब आपको लूजर्स मिलेंगे, ये मैंने सब लूजर्स लगा रखे नीचे, ये सारे के सारे ऊपर गेनर थे। अब देखिए यहाँ से लूजर्स शुरू हो गए हैं और देखिए ये आधे तकरीबन नेगेटिव में है, 0.5% के। और देखिए फिलहाल तो बायर्स आ गए हैं इसमें। और देखिए बायर्स आने के बाद अगर आप देखेंगे तो अच्छा काफी ठीक सा लग रहा है इसमें। देख के ओपन काफी ठीक सा हुआ, 299 पे हाई लगाया 307 का और फिलहाल 303 पे है। ओके, और देखिए चलिए देखते हैं, ये थोड़ा नेगेटिव में चला गया है फिलहाल जहां तक मुझे याद था। देखते हैं, हाँ देख सकते हैं, अभी ये गेनर में था पहले, अभी ये गेनर में ही है और बस इसके बाद TCS है अब। और देखते हैं, अब पूरा चार्ट आ चुका है। देखिए ये इंडिया बुल्स हाउसिंग से जो है, ये TCS भी जो है ये गेनर है आज, और ये भी कुछ अब तकरीबन इक्वल सा ही होता जा रहा है। ओपन हुआ था 1900 के 2000 के लगभग और अभी इसने 2006 तकरीबन है ये।
और देखिए बिल्कुल ये एग्जैक्टली मैंने इसके बारे में टीशर्ट्स के बारे में देखिए बात भी की थी और मैंने शायद यही लेवल से बताए थे। और दो ये अभी जा सकता है जहां तक मुझे याद है 2060 के लगभग ये अभी जाने की हिमायत रखता है इसका। और यहां तक तो मैंने टच कर दिया, मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। और देखिए क्रॉस करके और देखिए 60 तक इसका तो अभी लगता है, चार्ट देख लेते हैं, इसका चार्ट देखते हैं और वन डे पे लगाते हैं इसको और हम 15 कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रुझान समझ में आ जाएगा हमें। तो देखिए लगा लिया मैंने और देखिए ये रहा आज का मार्केट और ये देखिए पहले नीचे गया फिर ऊपर और अभी चल रही है बुल्स बेयर्स की लड़ाई, फिर भी अच्छा खासा ऊपर है। और देखिए और देखते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग, यहां से देखिए यहां से सब लूजर्स हैं, ये देखिए यहां से सारे के सारे लूजर्स हैं और 770 पे ये खुला और देखिए वहीं से नीचे का 5% नीचे। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, मार्केट जो है हमारा जो मार्केट है वो बियर है, बुलिश मार्केट हमारा इतना है नहीं। तो अगर आप छोटे रिटेल निवेशक हैं तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप बियरिश ही रहिए और इन सब चीजों के मौके में लगे रहिए। जैसे ये कंपनियां हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये सब कितनी गिरी हैं, जितनी भी NBFCs हैं सारी की सारी सब इतनी गिरी हैं और गिरती जा रही हैं क्योंकि बैंकों के पास पैसा नहीं है इनको देने का, इनका सारा पैसा अटका हुआ है। उसी चीज की वजह से आप देख सकते हैं इनमें गिरावट आती रहती है, एक अच्छी खासी गिरावट है। और देखिए मारुति, मारुति भी 4% की गिरावट है, मतलब इतने बुलिश नहीं है। उसी वजह से आज अगर मार्केट देखेंगे तो आज 10,600 पे आ चुका है, बहुत से लोग बोल रहे थे 11,000 तो 11,000 जाने वाला नहीं था वो इतनी आसानी से, क्योंकि हम क्योंकि 90% लोगों का जो रुझान है वो बेयर ही रहता है हमेशा, वो बेयरिश होके ही सोचते हैं, उन्हें मार्केट अच्छे से काम करना, उन्हें बुलिश मार्केट पसंद ही नहीं है शायद। और देखिए यहाँ पे देखिए ये भी 4% लोग 4% ये भी नीचे गया हुआ मारुति। टेक महिंद्रा देखिए, टेक महिंद्रा भी 4% के नीचे है, टाटा मोटर्स भी 2% के तकरीबन है और ये भी देखिए यहाँ ग्रासिम भी ये भी 2% नीचे, टेक HCL टेक भी नीचे है 2%, कोटेक बैंक भी 2% नीचे, एशियन पेंट भी 2% नीचे, सिप्ला भी 2% नीचे है और देखिए यस बैंक भी 2% नीचे है। ठीक है तो देखिए कहने का मतलब है ये तो हो गए भाई सारे के सारे शॉर्ट, ठीक है और सारे के सारे आपके लूजर्स। और देखिए गेनर्स जो थे वो देखिए ये रहे सारे के सारे TCS तक ये जितने भी हैं। और सन फार्मा देखिए, सन फार्मा अभी भी लगा हुआ है यही का यही। तो देखिए सन फार्मा एक बहुत अच्छा स्टॉक है, वाकई में इसको खरीदेंगे तो आप 2-3 महीने में ये मैं आपको सच बताता हूँ 750 के लगभग ये वापस जाएगा, ठीक है ये तो अच्छा खासा देगा, इसमें तो कोई नो डाउट नहीं है। तो देखिए बेसिकली वीडियो मैंने इसी चीज के लिए बनाई थी आपको टॉप गेनर टॉप लूजर्स दिखाने के लिए। और देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टॉप लूजर्स हैं सारे सारे, इंडिया बुल्स हाउसिंग, मारुति, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, HCL टेक, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, सिप्ला, यस बैंक। और देखिए गेनर्स आ चुके हैं पूरे फुल हो गए, NTPC भी आज गेनर में है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है, BPCL। और देखिए और देखते हैं सन फार्मा तो टॉप पे ही आज, देखिए अच्छे खासे सन फार्मा ने तो बहुत अच्छा दिखाया आज और 3 करोड़ के लगभग इसमें वॉल्यूम्स आ चुके हैं। और देखिए चलिए फिर वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ और फिर किसी अगले स्टॉक के साथ आपके साथ मिलेंगे। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके आगे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चलिए थैंक यू।